So finally, we have a new rule in cricket, uh, and this rule will start from the upcoming T20I World Cup. The name of the rule is stopwatch. So what will happen in this very rule? आपको पता है पिछले World Cup में बड़ी दफा ऐसा हुआ कि जब team time को exceed कर देती है time limit को तो उनको एक एक चीज को face करना पड़ता है कि आखरी hours में उसको एक fielder सर्कल के अंदर खड़ा करना पड़ता है तो अब क्योंकि ऑब्वियसली इस रूल से किसी टीम में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था वो कह रहे थे चलो डीट थे वो कर देते थे लेट हो जाते थे एक प्लेयर अंदर खड़ा कर देते तो अब आई ने यह रूल डाला है और ये रूल टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से स्टार्ट होगा जो कि जून जुलाई में वेस्टंडीज़ में खेला जाने वाला है अब रूल में इस तरह होगा रूल का नाम है स्टॉप वॉच तो हर ओवर स्टार्ट एक ओवर खत्म होता है तो उससे अगले ओवर के बीच में आपके पास सिक्सटी सेकेंड होंगे ये टाइम चलेगा स्क्रीन के ऊपर सिक्सटी सेकेंड्स के अंदर आपको न्यू बॉलर सेलेक्ट करना है कौन से बॉलर वरना अगर आप इस टाइम को में सेलेक्ट नहीं करते तो आपको फर्स्ट वार्निंग मिलेगी फिर आप दोबारा सेलेक्ट नहीं करते सेकंड वार्निंग और थर्ड वार्निंग पे आपको पांच रन की पेनल्टी पड़ेगी सो तो इससे ये फ़ायदा हो कि जो टीमें हैं उनको टाइम की कदर आएगी टाइम लिमिट उनको पता चलेगा और क्योंकि ऑब्वियसली जो पिछला रूल था उसमें ये था कि वो कहता है चलो ठीक है एक प्लेयर अंदर है कुछ ना कुछ करके गुजार ही लेंगे ओवर लेकिन अब पांच रन की पेनल्टी पड़ेगी जो कि मैचेस बदल सकती है सो so, एक अच्छा रूल है इंटरेस्टिंग रूल है इंप्लीमेंट कब से होगा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से होगा जब वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा जून जुलाई में सो दिस वॉज द न्यूज रिगार्डिंग द लेटेस्ट रूल इन क्रिकेट द नेम ऑफ द रूल इज टॉप वॉच मेक श्योर टू सब्सक्राइब टीम जे के अला हाफिज़